कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के विरोध में धनबाद SNMMCH के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल से इमरजेंसी सेवा को अलग रखा गया है, जबकि OPD सेवा को बंद रखा गया है। हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने के आसार हैं। चिकित्सकों ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं संचालित हैं। हमारे विरोध का कारण है कि पीड़िता को न्याय मिले। उन्होंने बताया कि SNMMCH में भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था नहीं है, गार्ड भी लापरवाह बने रहते हैं। डॉक्टरों की मांग है कि पीड़िता को न्याय मिले, दोषियों पर कार्रवाई हो, साथ ही SNMMCH में डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा मिले। आरजी कर हॉस्पिटल में जो हुआ उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जस्टिस मांगना चाहते हैं। जो भी ममिता देवनाथ के साथ हुआ हम लोग चाहते हैं ये है कि उनको जस्टिस मिले और जो भी कल्प्रिट है जो भी है उसको एक सजा मिले। और वहाँ जो हुआ वहाँ सेफ्टी नहीं है, इस हॉस्पिटल में भी कुछ अच्छा सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई गेट नहीं है, यहाँ कोई पुलिस ऑन कॉल नहीं आती है। हम लोग जितने भी पेशेंट बाहर से आते हैं तुरंत उन लोग तुरंत हंगामा करने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ गार्ड लोग बैठ के देखते रहते हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। और वो जो वहाँ बन रहा है, हम लोग पिछले 2 साल पहले भी हड़ताल किए थे इसी चीज़ के लिए कि हम लोग को सेफ्टी चाहिए, तो वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ एजेंसी के पास कि वहाँ पुलिस लोग बैठेगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, अभी तक बन ही रहा है 2-3 साल से। हम लोग हर रेगुलर हम लोग जो भी है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उनको बोलते रहते हैं कि हम लोग को सेफ्टी चाहिए, हम लोग को पेशेंट भगदड़ करता है, बहुत दिक्कत होता है उसके लिए, यहाँ कोई नहीं सुनता है, सुनवाई होता है। हो सकता है ऐसा कि कभी भी यहाँ भी ऐसा जो हाल वहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ यहाँ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग को यहाँ सेफ्टी दिया जाए और जो भी गार्ड है ऑन ड्यूटी रहने चाहिए 24 आवर 24 इंटू 7, क्योंकि हम लोग भी ड्यूटी करते हैं 24 इंटू 7, तो सब हम लोग जब कर सकते हैं तो उन लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग रात भर जग के ड्यूटी करते हैं और जो गार्ड हैं वो सो जाते हैं। गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल है, उधर कोई भी बाहर का आदमी घुस जाता है, कोई भी बाहर का आदमी घुस जाता है, ग्राउंड है हम लोग का, वहाँ कोई बाहर का आदमी बैठ के दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हम लोग बोलते हैं तो उन लोग वहाँ हंगामा शुरू कर देता है। ये सब हम लोग का काम थोड़ी ना है, हम लोग जाकर बस देखते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग का कैंपस हम लोग गार्ड रहना चाहिए, गार्ड देखेगा बोलेगा, हम लोग 10 कॉल करते हैं तब गार्ड आता है कि हाँ यहाँ ऐसा हो रहा है, आके देखता है। तो हम लोग हरदम हम लोग पेशेंट देखें कि हम लोग झगड़ा करें हम लोग क्या करें। हम लोग चाहते यही है कि जो भी है सेफ्टी होना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल के पास, बॉयज़ हॉस्टल के पास, बाहर का आदमी कोई नहीं घुसे, एक एंट्री गेट होना चाहिए मेन गेट, जिसके कारण एंट्री हो, रजिस्टर हो, जो भी एंट्री मारे जैसे वो उसका साइन हो, जो भी ऐसा कुछ हम लोग चाहते हैं, ताकि आगे चल के एक सेफ्टी रहे, ताकि हम लोग अच्छे से ड्यूटी कर सके और नए तरीके से सब कुछ हो सके। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक है। मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुआ, उससे पूरा देश आहत है और सरकार का जो ढीला रवैया रहा है उसके खिलाफ ही हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी हमने हड़ताल का कॉल दिया है, अब तो ये 2-3 दिन चलेगा। और यहाँ भी बहुत सारे सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, अक्सर ऐसी घटनाएं इस कॉलेज में भी हुई है, और यही सब हमारी डिमांड्स है, सिक्योरिटी वगैरह यहाँ बेहतर किया जाए और इस तरह की घटना को रोकने के लिए जो प्रशासन है उस पर थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। हम जो PMC पूरी हड़ताल पे है, हाँ PMC पूरी हड़ताल पे है, इलेक्टिव और जितना भी OPD सर्विसेज है वो सारी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगे, बाकी सारे सर्विस बंद रहेंगे। क्या मांगे हैं? मांगे देखिए, मांगे तो हमारी मेन है कि सिक्योरिटी, अक्सर अक्सर घटनाएं होती रहती है, जैसे यहाँ पे गार्ड्स की कमी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सिर्फ 2 गार्ड्स रहते हैं, पब्लिक को संभालने में बहुत दिक्कतें आती है, तो हम चाहते हैं कि गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी कैमराज लगे और जो भी बैरिकेड है, जब अटेंडेंट आते हैं उनसे पेशेंट से मिलने के लिए उनके पास ID की सुविधा नहीं है, कोई भी बहुत सारे अटेंडेंट एक बार में इमरजेंसी रूम में घुस जाते हैं, हम चाहते हैं कि उनको ID दिया जाए, एक बार में एक ही अटेंडेंट आके मिल सके जिसके कागज कम हो पाए, यही हमारी कुछ डिमांड्स है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और इस बात को थोड़ा इस पर नज़र डालें। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र।